हाँ बिल्कुल काफ़ी अच्छी प्रपेशन हुई है चार दिन हमारी प्रैक्टिस हुई है और हमने यहाँ का जो जो कंडीशन थी उसमें हमने प्रैक्टिस की है क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट कंडीशनस है बाउंस का फ़र्क है तो काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हुई है और लड़के भी काफ़ी कॉन्फिडेंस में हाँ बिल्कुल होम कंडीशन में वो काफ़ी टफ़ है और काफ़ी उनको सूट करती है उन होम कंडीशन लेकिन हमने भी काफ़ी अच्छी प्रपरेशन की और जो हमारा विनिंग कम्बिनेशन है जो या विनिंग हमारा एक मोमेंटम बना हुआ है उसी को लेके हम आएँ और कॉन्फिडेंस में और कोशिश यही करेंगे कि फेयरलेस क्रिकेट खेलें और मोमेंटम यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि हमें मोमेंटम अच्छा मिलना चाहिए ऊपर से जो हमारा टॉप ऑर्डर है वो हमें मोमेंटम देगा तो फिनिश हमारा अच्छा होगा हाँ बिल्कुल देखें मॉडर्न क्रिकेट के साथ आपको चलना पड़ता है और ये बिल्कुल इस चीज़ पर हम काम भी करें और इंडिविजुअल प्लेयर्स को भी और मैनेजमेंट ने भी इस पर काफ़ी काम किए और मेरे ख्याल से जो ऑन द डे आपको जो मैच खेलते हैं उस पर आपका काफ़ी डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है क्या कंडीशन हैं और बॉलिंग क्या हो रही है उस हिसाब से आपको अपना प्लान करना पड़ता है और मेरे ख्याल से फिर वो मोमेंटम हमें बहुत ज़रूरी ऊपर से मिलेगा और मोमेंटम चाहिए होता है कि आप फिनिश अच्छा कर कर सकें और मेरे ख़्याल से हम इस पर पूरा कॉन्फिडेंस हैं और और कोशिश यही है कि इस जो मॉडर्न क्रिकेट है उसके उसको जिन में रखते हम क्रिकेट खेलें और मेरे ख्याल से क्रिकेट और फेयरलेस क्रिकेट का यही है कि आप फ्रीली खेलें और जितना आप बॉलर पे अटैक कर सकते हैं और कभी आप कभी बॉलर आप को अच्छी बॉलिंग भी करता है लेकिन उस पर उसको रिस्पेक्ट भी दें लेकिन जो आपकी स्ट्रेंथ है उस पर रहें और आप फिर जब आप मोमेंटम खेलते हैं या ऊपर के टॉप ऑर्डर के बैट्समैन पूरे आवर खेलते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो स्कोर है वो थ्री और थ्री तक पार कर जाता है हाँ देखें जितने भी प्लेयर्स आए हैं सब फिट हैं और सब अवेलेबल हैं और जहाँ तक रही बात टीम की देखें मे पॉबली एक दो चेंजेस एक दो प्लेयर्स आप आपने डिसाइड करना पड़ डिसाइड करना होता है तो वो आप आज जाके हम कंडीशन देखेंगे और फाइनल जो अलेवन है यहाँ जो हमने टीम खिलानी है तो हम आज डिसाइड करेंगे और मेरे ख्याल से जितने भी प्लेयर हैं जो फिफ्टीन प्लेयर हैं वो तो सारे वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हैं और काफ़ी मुश्किल हो जाता है कभी कभार टीम सेलेक्ट करना तो कोशिश ये होगी जो बेस्ट टीम होगी जो कम्बिनेशन मेन में वही है कि कम्बिनेशन हमारा जो होगा उसको लेके हम चलेंगे